प्राइवेट स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। जसूर के आदर्श भारतीय पब्लिक स्कूल में ऐसा ही देखने को मिला। स्कूल के प्रधानाचार्य संजय शर्मा से बात करने पर उन्होंने कहा कि बच्चों के माता पिता को दिशा निर्देश दिए गए हैं और उनसे सहयोग मांगा गया है कि आप सब हमें सहयोग दें ताकि हमारा और आपका बच्चा सुरक्षित रहे। जब भी कोई बच्चे को स्कूल से लेने आते हैं तो वो अपनी पहचान के बिना बच्चों को नहीं ले जा सकते। बिना पहचान के कोई भी बच्चा नहीं दिया जाएगा। संजय शर्मा ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। वह इसमें अभिभावकों का सहयोग भी मांगा गया है क्योंकि अभिभावकों के सहयोग के बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता। बच्चों की सुरक्षा के लिए अध्यापक और अभिभावक दोनों को ही मिलकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि अभिभावक स्वयं अपने बच्चों को बस में चढ़ाने भी आए और लेने भी आए। अभिभावक अपना फोन नंबर बार बार बदल देते हैं जिस कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए अभिभावक अपना सही फोन नंबर दें ताकि जरूरत पड़ने पर हम अभिभावकों को फोन कर सकें। उन्होंने कहा कि अधिकतर देखा जाता है कि अभिभावक बच्चों का लंच बॉक्स किसी अन्य के हाथ भेजती हैं, जिसे अब मना कर दिया गया है। बच्चे अपने साथ सुबह ही लंच बॉक्स लेकर आएं। उन्होंने कहा कि कुछ अभिभावक अपने बच्चों को मोबाइल, सिक्के या वीडियो गेम देकर स्कूल भेजते हैं। अभिभावकों को बताया गया है कि बच्चों को सिक्के देकर स्कूल ना भेजें क्योंकि छोटा बच्चा खेलते हुए सिक्के को गले में फंसा सकता है। और उन्होंने कहा कि अभिभावक मोबाइल, सिक्के और वीडियो गेम भी स्कूल में बच्चे के साथ ना भेजें। अपने पेरेंट्स को जो कुछ दिशा निर्देश दिए हैं और उनको उनसे हमने सहयोग मांगा है कि आप हमें सहयोग दें ताकि हमारा और आपका बच्चा जो है वो सुरक्षित रहे। और जब भी दूसरा बात हमने ये किया है कि जब भी कोई भी बच्चा पेरेंट्स जो बच्चों को लेने आते हैं तो वो अपना आइडेंटिटी शो करें। बिना आइडेंटिटी के कोई बच्चा जो है वो नहीं दिया जाएगा।